हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे क्या चल रहा है, आपका आर्ट जो LT है, आपका LT का पार्ट वन, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, पैडागॉजी बोलते हैं, वो चल रहा है। तो दोस्तों, उसके अंतर्गत जो हमारे पास चार प्रकार की फिलोसफी थी, उस फिलोसफी का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हमारे पास कुछ फिलोसफर्स दिए हैं और उनकी हमें फिलोसफिकल थिंकिंग देखनी है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है वहाँ पर रूसो दिया गया, प्लेटो दिया गया, अरिस्टेटो दिया गया, तो और अरबिंदो दिए गए, महात्मा गांधी दिए गए, रविंद्रनाथ टैगोर दिए गए। तो हम पहले भारतीय दार्शनिकों से शुरू करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पाश्चात्य दार्शनिक हैं उनके, यानी जो अरबिंदो, प्लेटो हैं, इन सब और अरिस्टोटल हैं, इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय खराब न करते हुए अरबिंदो से शुरू करते हैं। तो देखिए, श्री अरबिंदो। तो सबसे पहले तो हम जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति से जीवन परिचय को समझेंगे, यानी जीवन परिचय का अर्थ क्या हो गया, व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में रहा, तो जिन परिस्थितियों में व्यक्ति रहेगा उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के विचार बनेंगे, और उसी विचार के अनुसार व्यक्ति का क्या होगा, दर्शन होगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी व्यक्ति के दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से हमें उसके जब उससे परिवेश का पता लग जाता है, यानी व्यक्ति कैसे कैसे माहौल में रहा। तो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वैसे विचार बनेंगे, वैसी फिलोसफी होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या थे, मैं अरबिंदो का जन्म कब हुआ। ठीक है, श्री अरबिंदो जी का जन्म कब हुआ। तो देखिए, जो अरबिंदो जी का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1872 को। दोस्तों, ये सीधे सीधे याद करने वाली चीजें हैं, जो समझाने वाले होंगे मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको याद रखना है, श्री अरबिंदो का जन्म क्या हुआ था, 15 अगस्त 1872 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म स्थान, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता के प्रसिद्ध घोष परिवार में होता। तो आपको नाम से पता लगा रहा, अरविंदो घोष को कहाँ हुआ होगा, घोष परिवार में होगा। ये क्या था, कलकत्ता का एक प्रसिद्ध परिवार था। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था कृष्णन घोष, जो कि क्या थे, एक मेडिकल ऑफिसर थे, कहाँ, कलकत्ता में थे। चलिए अब आगे देखिए, शिक्षा यानी इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ भी। तो देखो, जो इनके पिताजी थे, क्योंकि समृद्ध परिवार के थे, तो इनके पिताजी ने इनको 7 वर्ष की आयु में कहाँ भेजा था, इंग्लैंड पढ़ने भेजा था, जहाँ ये कहाँ रहे, 21 वर्ष की अवस्था तक रहे। 21 वर्ष नहीं रहे, बल्कि कितने तक रहे, 21 वर्ष की अवस्था तक रहे, यानी जब ये 21 साल के हो गए थे, तब तक ये कहाँ रहे, लंदन में रहे, और लंदन में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद ये कहाँ आए, वापस आए। अब देखें, उन्होंने अभी इन्होंने वहां किस चीज की पढ़ाई की, क्योंकि आपको पता होगा, जब आपने पुराने जमाने में जब आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ा होगा, तो आपने जो भी देखे होंगे, भारत के जो भी लोग लंदन जाते थे, ज्यादातर क्या बैरिस्ट्री करने जाते थे, लेकिन इन्होंने वहां पर जाकर बैरिस्ट्री किया नहीं। बैरिस्ट्री के मतलब क्या हो गया, वकालत है ना, तो इन्होंने वकालत नहीं सीखी, बल्कि इन्होंने वहां पर रहकर क्या की, यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया, यानी ये किसका अध्ययन करने गए थे, वहां साहित्य का अध्ययन किया, और कब वापस आए, 1893 में ही कहा भारत वापिस आ गए। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा गांधी जी भी प्रथम बार कब भारत आए थे, 1893 में आए थे, तो उसी समय अरबिंदो घोष भी भारत आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रभाव, यानी जब ये वहां इंग्लैंड में रहे, तो इन पर किस किस का प्रभाव पड़ा, उसके साथ जब ये भारत में आए, तो भारत में इनके इन पर किस किस का प्रभाव पड़ा है, किन किन व्यक्तियों से प्रभावित थे, किन किन संस्थाओं से प्रभावित थे। क्योंकि जिन व्यक्तियों और जिन संस्थाओं से प्रभावित हो गए व्यक्ति, उन संस्थाओं और विचारों की छाप भी मनुष्य पर अवश्य ही पड़ेगी। अब देखिए, मैजनी और गैरिबाल्डी, ये क्या थे, दो, ठीक है, दार्शनिक है ये भी, ठीक है। मैजनी आपके इटली के थे, और गैरिबाल्डी भी पश्चिम के, मतलब यूरोप के ही कोई दार्शनिक थे, ठीक है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रही। मैजनी तो इटली के ही थे, ये भी क्या थे, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे, किस्म से, मैजनी और गैरिबाल्डी, यानी अपने अधिकार छीन के लेने की बात करते थे। तो इनके विचारों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको इन पर देखने को मिलेगा। इनके विचारों के फलस्वरूप ये क्या होते थे, जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उन क्रांतिकारी आंदोलन से कौन जुड़ गए थे, श्री अरबिंदो जुड़ गए थे। उन क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। कैसे गए थे अभी देखते हैं। तो पहले आपको समझे किन किन का प्रभाव पड़ा था, मैजनी और गैरिबाल्डी का प्रभाव इन पर पड़ा था, ठीक है। आप देखिए, उसके बाद क्या, ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने, क्योंकि इनका प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते हुए कुछ लेख भी प्रकाशित किए, क्योंकि ये ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन में तो आपको पता ही कौन थे, ब्रिटिश थे, उस समय ब्रिटिश का शासन कहाँ था, भारत पर भी था, भारत भी उनका गुलाम था। तो उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए उन्हीं के देश में क्या करे, कुछ लेख भी लिखे, ठीक है, जिसके कारण अंग्रेजों की नजर में भी आए थे। अब उसके बाद ये क्या हुए, बड़ौदा में प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने क्या किया, भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। जब भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो भारतीय दर्शन का भी इन पर गहन प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए अगला क्या है, ब्रिटेन में स्थापित इंडिया मजलिस और लोटस एंड हैंगर आदि संस्थाओं का भी इन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये इंग्लैंड में थे। तो जब ये इंग्लैंड में रह रहे थे, तो वहां की दो संस्थाएं थी, इंडिया मजलिस और लोटस एंड हैंगर, तो उनका प्रभाव भी इन पर बहुत गहरा प्रभाव।
आपसे पूछ सकता है कि जब अरबिंदो घोष इंग्लैंड में थे तो इन पर कौन कौन सी संस्थाओं का प्रभाव पड़ा या किस किस विचारक का प्रभाव पड़ा। तो मैजनी और गारिबाल्डी और संस्था कौन कौन सी होगी, इंडिया मजलिस और लोटस एंड हैंगर का। ठीक है, अब देखिए जब भारत में आए तो भारत में किस किस से प्रभावित थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के वैधानिक समन्वय से प्रभावित थे। यानी आप समझिए स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस इन दोनों से क्या थे, ये प्रभावित थे। अब देखिए जो रामकृष्ण परमहंस है वो क्या है आपके, वो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पर 1897 में स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी, रामकृष्ण परमहंस ठीक है की क्या था आपका ठीक है स्थापना की थी वेल्लूर में। ठीक है, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कहाँ की थी, 1897 में वेल्लूर में की थी। ठीक है, किसके नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ही की थी। चलिए वो तो आप इतिहास में देखेंगे जो इतिहास के छात्र होंगे, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का बताते हुए चल रहा हूँ। आप देखिए उसके बाद आपको पता है 1905 में बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया, उन्होंने किसने, श्री अरबिंदो ने। अब आपको पता है 1905 में क्या हुआ था, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। और अगर आपसे पूछता किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या था, वाइस राय था भारत का 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय वाइस राय था आपका, लॉर्ड कर्जन था, और उसी आंदोलन में किसने भाग लिया आपके, श्री अरबिंदो घोष ने भाग लिया। और कैसा भाग लिया, सक्रिय भाग लिया, यानी उस आंदोलन में क्या हुए, कूद पड़े। और उन्होंने उस समय बंगाल में क्या हो रहा था, आंदोलन धरने हो रहे थे, उन सब में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। अब देखिए ये क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन में भी भाग ले रहे, यानी किससे प्रभावित है, मैजनी और गैरिबाल्डी से प्रभावित है। अभी देखिए आगे, उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन और पश्चिमी विचारधारा दोनों ही हिंदुत्व के लिए खतरनाक है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, किस व्यक्ति ने कहा था कि ब्रिटिश विचारधारा और ठीक है ब्रिटिश शासन दोनों ही किसके लिए है, भारतीयों के लिए खतरनाक है। तो किसने कहा था, श्री अरबिंदो ने कहा था। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या क्या होता है। तो देखिए ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मैजनी और गारिबाल्डी थे वो क्या थे, इटली के क्रांतिकारी थे। कैसे क्रांतिकारी थे, ठीक है, वह अपना हक छीन के लेने वाले क्रांतिकारी थे। उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने भी क्या किया, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया। आपको पता होगा 1907 से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ने लगे थे। उससे पहले जो भारत में INC थी, तो INC में कैसा दल था, नरमवादी दल था, या जिसे हम बोलते उदारवादी दल, यानी वो क्या करते थे, याचना करने में रखते, यानी वो बोलते थे हम अगर ब्रिटिशों से अपना हक मांगे तो हमें अपना हक देंगे। तो उसके अलावा 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो एक ऐसी विचारधारा उभरी जो क्या कहती थी, अंग्रेज हमें अपना हक नहीं देंगे बल्कि हमें उनसे छीन कर लेना है, हमें उनके साथ क्या करना है, मारपीट करनी पड़ेगी, उन्हें मारना भी पड़ेगा। तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। तो उससे कौन जुड़े आपके, श्री अरबिंदो जुड़े। और उसी समय 1908 में क्या होता है, अलीपुर बम कांड हुआ था। तो 1908 में अलीपुर बम कांड में कौन जेल गए थे, श्री अरबिंदो जेल भी गए थे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद कब बाहर आए अरबिंदो जेल से, 1910 में। 1910 में जेल आने पर उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक कर लिया और पौंडीचेरी में जाकर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है इन्होंने कब राष्ट्रीय आंदोलन से स्वयं को पृथक किया, तो 1910 में क्या, उसके बाद इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहां की पौंडीचेरी में की। और पौंडीचेरी में ही उन्होंने किसकी स्थापना की थी, अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। पौंडीचेरी में ही उन्होंने क्या की थी, अरबिंदो आश्रम की भी स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरबिंदो आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अरबिंदो आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, पौंडीचेरी में। अब देखिए इनका निधन कब हुआ था, 5 दिसंबर सन 1950 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। और एक बात और आपको बता दूं, जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी का वर्तमान नाम क्या है, पुदुचेरी है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, पौंडीचेरी इसका नाम पहले था। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम इनकी प्रमुख रचना है अरबिंदो की। देखिए सब आपसे पूछ लेता है कि भाई अरबिंदो की प्रमुख रचनाएं बताओ, या पूछ लेते निम्न में से कौन सी अरबिंदो की रचना है, ठीक है, द डिवाइन लाइफ किसने लिखी, श्री अरबिंदो ने। द मिस्ट्री ऑफ गीता, ये भी किसने लिखी, श्री अरबिंदो ने। ह्यूमिकल साइकिल, ठीक है, ह्यूमन साइकिल भी किसने लिखी, श्री अरबिंदो ने। द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी किसने लिखी, अरबिंदो ने, एंड सावित्री। तो ये सारी बुक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन सी श्री अरबिंदो जी ने लिखी है। एक बार तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ बुक के नाम, द लाइफ डिवाइन, दूसरी द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री। चलिए अब हम देखते हैं इनके दार्शनिक चिंतन। और देखिए अब दार्शनिक चिंतन में भी हम मेनली देखेंगे जो हमारा एजुकेशनल रिलेटेड इनकी थिंकिंग होगी, एजुकेशनल रिलेटेड चिंतन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है अपने शिक्षा के हिसाब से पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है।
तो देखिए उनका शिक्षा दर्शन, अब हम सीधा शिक्षा दर्शन पे बात आ गए क्योंकि हमारे जो सिलेबस है शिक्षा के अकॉर्डिंग है। उनका शिक्षा दर्शन वस्तुतः किनकी, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अरबिंदो का शिक्षा दर्शन कितने बिंदुओं पर या कितने आधारों पर टिका था, तो कितने कितने, चार आधारों पर टिका था। पहला क्या बोला उन्होंने, ब्रह्मचर्य, दूसरा आध्यात्मिक, तीसरा साधना और चौथा योगा। क्या क्या है, ब्रह्मचर्य हो गया पहला आपका, आध्यात्मिक, साधना और योगा पर आधारित है। वे अंतःकरण से शिक्षा को मुख्य अंग मानते हैं। वे क्या करते हैं, अंतःकरण को शिक्षा का मुख्य अंग मानते हैं। अब उन्होंने क्या बताया था, अंतःकरण के को शिक्षा का मुख्य अंग मानते हैं और अंतःकरण के उन्होंने चार भाग बताए थे। कौन कौन से चार भाग बताए थे, देखिए पहला उन्होंने बताया था कि चित्त क्या होता है हमारे पास, चित्त होता है हमारा मन, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, चित्त, ठीक है, चित्त क्या होता है हमारे पास, मन होता है। चित्त पर ही अन्य तीन स्तर आधारित होते हैं। इन्होंने क्या बताए थे, जो हमारे अंतःकरण है, अंतःकरण के इन्होंने चार अंग बताए थे, जिन्हें सबसे पहला इन्होंने बताया चित्त। चित्त एक समझ लिया, चित्त पर होता है मन। इन्होंने क्या बताया, जो अन्य तीन स्तर है वो किस पर आधारित है, चित्त पर ही आधारित है। आप देखिए चित्त होता क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चित्त में मानव जीवन के पूर्व संचित संस्कार, यानी पूर्व संचित संस्कार, यानी आप जो पहले जन्म के थे इनके हिसाब से जो पहले जन्म के संस्कार हैं और वर्तमान अनुभव एकत्रित रहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, मानव के संचित पूर्व संस्कार और वर्तमान अनुभव कहाँ संचित रहते हैं, चित्त में एकत्रित रहते हैं। इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं करता है। कौन, चित्त के लिए ऐसा कहा, किसने कहा, श्री अरविंदो ने कहा। तो पहला तो कौन हो गया, चित्त। अगला आता है आपके पास, अगला आता है आपके पास मानस। इस स्तर का कार्य ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करना तथा उसे विचारों और भावों में बदलना होता है। इसे छठी इंद्री भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्री अरविंदो के अनुसार छठी इंद्री किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मानस। मानस का काम क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों से जो हमारी सूचना आती है उस सूचना को विचार में बदलना। जैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे आपने कोई गर्म वस्तु छुई तो आपको क्या हुआ, आपकी इंद्रियों ने ग्रहण किया तो आपको हाथ जला, तो आपको पता लग गया भाई आप इसको सूचना में बदल दिया और विचारों में बदल दिया, यानी आपको पता लग गया गर्म वस्तु को छूने से क्या होता है, नुकसान होता है या हम जल जाते हैं। तो यानी उसे हम क्या कहते हैं, मानस कहते हैं। अगला आता है बुद्धि, अगला क्या आता है, बुद्धि। अगला देखते हैं बुद्धि के बारे में श्री अरविंदो क्या कहते हैं। देखिए बुद्धि के बारे में कहते हैं, यह अक्सर विचार का वास्तविक साधन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरबिंदो के अनुसार विचार का वास्तविक साधन कौन है, बुद्धि। क्योंकि यानी आपके इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान आप तक पहुंच रहा है तो उस पर विचार कौन कर रहा है, आपकी बुद्धि, यानी आपका दिमाग ही उस पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। यानी जो भी आपके पास क्या आ रही है, सूचनाएं आ रही है, उन सूचनाओं पर विचार कौन कर रहा है, आपकी बुद्धि ही विचार कर रही है, ठीक है। अब देखो ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है कौन करता है, बुद्धि करती है। शिक्षा की दृष्टि में यह असर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं होगी, यानी सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, वो सही गलत का भेद नहीं कर पाएगा, तो बच्चे में ज्ञान होना अत्यंत ही कठिन है। अब अगला स्तर बताएंगे उन्होंने, चौथा ज्ञान। ज्ञान वह शक्ति है जिसे हम अंतर्दृष्टि, यानी क्या कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज, या इस तरीके समझ लें मतलब हमारे अंदर पहले से कुछ चीज को जानने की क्षमता। तो जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम किसी भी चीज का पूर्वानुमान कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ज्ञान वह शक्ति है जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, एक किस्म से पूर्वानुमान करने की क्षमता समझ लें। इस शक्ति का विकास अभी तक नहीं हो पाया है, इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा किसने कहा, श्री अरविंदो ने कहा। चलिए अब हम देखते हैं, एक लास्ट कोटेशन देख लें। अरविंदो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, ठीक है, अरविंदो क्या थे, एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। इनके दर्शन में भारतीय योग दर्शन, वैदिक दर्शन, भक्ति तथा गीता दर्शन का समन्वय देखने को मिलता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो अरविंदो का शिक्षा दर्शन है वो किस किस पर आधारित है, तो भारतीय योग दर्शन पर आधारित है, वैदिक दर्शन पर भी आधारित है, भक्ति और गीता दर्शन पर भी आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आज हमने श्री अरविंदो के जीवन परिचय के बारे में देख लिया, उनके जो शिक्षा के बारे में जो चिंतन है उसको देख लिया। अब हम कल इनके अनुसार श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे इनका उद्देश्य देख लेंगे, इनके अनुसार पाठ्यक्रम देख लेंगे और शिक्षण विधियां देख लेंगे और अध्यापक यानी जो अन्य चीजें हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे द्वारा किया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से और जो LT की सीरीज है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी चैनल अधिक से अधिक शेयर करने की कर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।